अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बेटा आप यहाँ आओ, यहाँ बैठो। देखो कितने सारे खिलौने हैं, आप तब तक इनसे खेलो और तब तक आपकी माँ भी आ जाएंगी। हम तो बोलते हैं आप इससे खेलो, ये लो। नहीं जीत, क्या कर रहे हो ये देख, ये इस बच्चे के हाथ देखो कितने गंदे हैं। हमारे शिव को तो तुम जानते हो ना, नाजुक सा है वो, बहुत बहुत सेंसिटिव है, जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। अगर वो जर्म्स की वजह से उसे इंफेक्शन हो गया या वो बीमार पड़ गया तो क्या करेंगे हम? हाँ, ये उसके खिलौने तुम ऐसे किसी और को नहीं दे सकते। और ये गाड़ी देखो ना, ये उसकी फेवरेट है, तुमने उसके लिए खरीदी थी। कितने कितने शौक से इसे चलाता है, वो उसके पसंदीदा खिलौने। अगर किसी ने ऐसे गिरा दिए तो दिल टूट जाएगा ना। जब हमारा बच्चा यहाँ वापस हमारे पास आएगा तो उसे टूटे हुए खिलौने नहीं मिलने चाहिए। तुम्हें क्या तरीका है गौरी बच्चों के सामने बात करने का? और गोपिका इतनी केयरलेस नहीं है, हम जानते हैं ये शिव के खिलौने हैं, पर शिव अभी है नहीं ना यहाँ पर, और ये बच्ची समझदार है, इसे ख्याल रखना आता है चीजों का। लव दो हमें गौरी, दो ये लो बेटा। नहीं अंकल, हमारे घर पे हमारे लिए बहुत सारे टॉयज है, हमें किसी और की चीज से नहीं खेलना है। देखा, एक छोटा सा बच्चा तुमसे समझदार निकला। अरे हम तो ये कह रहे हैं कि अगर उन बच्चा चोरों को उठाना ही था तो इसको उठा लेते, शिव को क्यों ले गए? हमें बहुत बुरा लग रहा है मौसी जी। जल्दी फोन उठा, हो सकता है पुलिस वालों का फोन, उन्हें पता लग गया हमारा बच्चा कैसा का है। अननोन नंबर है कोई। स्पीकर पे डाल, हो सकता है वो कुकर के किडनैपर्स का फोन। स्पीकर पे डालो। हेलो, बच्चे को ढूंढने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हारा बच्चा मेरे पास है। ये हो कौन तुम? तो क्या चाहिए तुम हमारे बच्चे से? तुम पीछे पड़े हो हमारे बच्चे के? मैं तुम्हारे बच्चे के पीछे नहीं, तुम्हारे पैसे के पीछे हूँ। और अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर अपने बच्चे की सलामती चाहते हो तो इंडस्ट्री हाउस के पीछे वाली सड़क पर 50 लाख रुपए लेके पहुंच जाओ। और हाँ, एक बात ध्यान रहे, अगर थोड़ी सी भी चालाकी की या पुलिस को इन्फॉर्म किया तो तुम्हें तुम्हारा बच्चा नहीं उसकी लाश मिलेगी। अब एक घंटे में मुझे पैसा लेके मिलो। नहीं 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 शिव, हेलो, ये फोन क्यों? जी तो मैं हमारा बच्चा चाहिए जी, तुझे कुछ नहीं होना चाहिए, मर जाएगी उसके लाली। उन्हें सब कुछ दे दो, तुम 50 लाख के तुम हमारे जेवर भी ले जाओ, तुम सब कुछ ले जाओ, सब कुछ ले दे दो, हमारा बच्चा ले लो। उन्हें कुछ हो गया तो जी, प्लीज नहीं होगा शिव को। माई भी तो शिव को ढूंढने गई है, आप उन्हें बता दीजिए। हाँ बेटा, शायद सच्चा ही बोल रही है, हमें उस इंस्पेक्टर की हेल्प लेनी चाहिए, वो हमें मदद करेगी जल्दी शिव को ढूंढने। फोन करते हैं उसे। अरे पर जीत भैया, उस आदमी ने मना किया है ना पुलिस को बुलाने से, कहीं उसने शिव को मार दिया काट दिया, हमारे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। नहीं 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 नहीं, फोन मत करना, बिल्कुल सही बोल रहे हैं जीत, हमारे लिए ना हमारे बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं है, पुलिस को कोई कुछ नहीं बताएगा, सब चुप रहेंगे। देखो जी, नहीं चाहते हमारे बच्चे को कुछ हो, हमें हमें ना कोई 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 दिक्कत नहीं है, पैसे देने में तुम ये लो और जाकर ना हमारे बच्चे को बचा कर लेके। हम नहीं चाहते। गौरी, बात पैसों की नहीं है, पैसे हम भी दे देंगे, पर ऐसे लोगों पे भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए पुलिस को एक बार इन्फॉर्म करना जरूरी है। हम क्या कह रहे हैं मौसी जी, भाभी देखो, पैसा कोई छाती पे रख के तो ले नहीं जाता है? और आप लोगों के लिए 50 लाख वैसे भी बड़ी रकम नहीं है, तो हम तो कहते हैं कि किडनैपर के मुंह पे मारिए वो पैसा और हमारे शिव को छुड़ा कर ले आइए। जीत, जीजी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अरे पैसा तो हाथ का मैल है, फिर आ जाएगा, हमारे शिव को अगर कुछ हो गया तो। नहीं नहीं, तुम पैसे लेके जाओ और शिव को जल्दी से ले आओ। जीत हम बोल रहे हैं, अगर हमारे शिव को कुछ हुआ ना, मर जाएंगे जीत, हम जीते जी मर जाएंगे। छोटा सा है वो, इतनी सी उम्र में इतना सब कुछ झेल रहा है, मम्मा पे नहीं पता हमें, हमारा बच्चा ला दो ना, प्लीज जाओ ना, तुम ले जाओ और रोने की जीत, इससे पहले कुछ ज्यादा हो जाए ना तुम जाओ यहाँ से। और वैसे भी हमें उस पुलिस वाली पर अब कोई भरोसा नहीं है। ठीक है,
हे महादेव, हमारे शिव की रक्षा करना महादेव। ये कैमरा, इस कैमरे की फेसिंग इस तरफ है, मतलब ये इस तरफ का तो सब कुछ इस कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। मतलब सिर्फ यही एक जगह है जहाँ सीसीटीवी कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो सकता। और जब हमने उस आदमी को देखा तो वो वहां से भागा और यहाँ गायब हुआ था। हम वहां से आ रहे थे और वो उस तरफ तो जाएगा नहीं, क्योंकि उसको पता होगा कि अगर उधर गया तो वो सीसीटीवी कैमरे की नजर में आ जाएगा। और सामने तो ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ वो बच सके या छिप सके। इसका मतलब वो यही कहीं छुपा होगा। पर कहाँ? ये कैसी जगह है? हो सकता है वो इसके अंदर। हाँ, यहाँ क्या कर रही हो तुम? याद है तुम्हें, हम दो थे लेकिन हमारे सपने एक थे। उस रोज मैंने भी एक बहुत बड़ी चीज खो दी, तुम्हें। हे भोले बाबा, हमारे और राजीव बाबू के रिश्ते का कैसा परीक्षा ले रहे हो? ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 10 बजे। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, कम से कम उस इंस्पेक्टर को बता देते हैं कि किडनैपर ने कॉल किया था हमारे पास। इतनी मदद की है उन्होंने हमारी, उन पर भरोसा कर सकते हैं। ये जगह बाहर से तो एकदम अलग थी और अंदर कुछ और ही है। देखिए, किडनैपर का कॉल आया था हमारे पास। उन्होंने 50 लाख रुपए लेके हमें इंडस्ट्रियल एरिया के पीछे बुलाया। क्या आपको किडनैपर ने पैसे लेके यहाँ बुलाया? ठीक है, आप आ जाइए जल्दी से, हम यहीं हैं अभी। हो सकता है आपके आने से पहले हमें शिव मिल जाए। हाँ जी, क्या कर रही हो? इंस्पेक्टर साहब, पुलिस वालों से बात कर रहे थे तुम जीत। क्या रे, पागल हो गए हो क्या? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अंदर इतनी बातें की हमने, पूरे घर वालों ने तुम्हें समझाया, हमने समझाया, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया कि जीत तुम अपने बच्चे की सलामती चाहते हो ना, तो क्यों कर रहे हो ये सब? किडनैपर्स ने कहा है ना कि हमें पुलिस वालों को खबर नहीं देनी चाहिए, वरना हमारे बच्चे के साथ वो पता नहीं क्या करेंगे। तो हमें नहीं करना चाहिए ऐसा, चुपचाप उनके पास जाना चाहिए। देखो गौरी, जो हम कर रहे हैं ना अपने शिव की सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। चिंता, हमें हमारे शिव की जान से ज्यादा प्यार करते हैं। कुछ 100 रुपए हम ऐसे भरोसा नहीं कर सकते। कम से कम वो इंस्पेक्टर जानती तो हमें, भरोसा तो कर सकते हैं हम उसके ऊपर, इतना ख्याल रखा उसने हमारे शिव का। क्यों है तुम्हें उन पर इतना भरोसा जीत? और क्यों अपनी जान पर खेलकर वो हमारे बेटे की जान बचाएगी? वो कौन है उसकी? ना वो उसकी माँ है ना कुछ और। जीत हमारा बच्चा है शिव,
हम उसके माँ बाप है, हम अपनी जान पर खेलकर अपनी औलाद को बचा सकते हैं, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो उसके लिए वो सिर्फ एक ड्यूटी है। और उसने क्या किया है अभी तक? उसके सामने हमारा बच्चा गायब हुआ था ना, वहाँ पे उसने कोशिश की थी हमारे बच्चे को ढूंढने की, लेकिन उसे कहीं नहीं मिला। तो क्यों तुम्हें इतना भरोसा है उस पर? बताई हुई लोकेशन पर पहुंच गए हम तुम्हारी। कहाँ हो तुम? स्पीकर स्पीकर स्पीकर। बहुत अच्छे, लेकिन प्लान में थोड़ा चेंज हुआ है। हमने लोकेशन चेंज कर दिया है, तो तुम वहाँ से एक गली छोड़कर एक गोदाम में वहाँ आ जाओ। हेलो, पर फोन काट दिया। पर वो इंस्पेक्टर ने तो कहा था कि यही है। हमें समझ में नहीं आ रहा जी, तुम्हारे बारे में इंस्पेक्टर के बारे में क्यों सोचते हो? तुम्हारे लिए इंस्पेक्टर जरूरी है, हमारा बच्चा, उसकी जान खतरे में। तुम चलो, जैसा कि नेवर बोल रहा, हम बिल्कुल ऐसा करेंगे। तुम चलो प्लीज। कहाँ गए? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे शिव इनमें से ही किसी खिलौने में है? शिव, शिव, ज्यादा होशियारी नहीं समझा? चुपचाप करके टेबल पे बैग रख दो। देख, मैं कह रहा हूँ होशियारी नहीं, बच्चे को भून दूंगा। देखिए, आपको पैसे चाहिए ना, पैसे लेकर आया, सारे पैसे ले लीजिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमें हमारे बेटे से मिलने दीजिए ना प्लीज। देखो, हमारे बेटे को छोड़ो, पहले पैसे ले आए हम तुम्हारे। कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? अपने बच्चे को सही सलामत चाहता है तो टेबल पे बैग रख दे। तुम्हारे बच्चे के ऊपर हमने बंदूक लगा कर रखी है, हिलना मत। नहीं नहीं, पैसे नहीं देंगे हम तुम्हें। पहले बेटे को छोड़ो हमारे। तुमने कहा था पैसे लेके आ जाना, हम आ गए हैं पैसे लेके। अब पहले हमारे बेटी को छोड़ो, उसके बाद पैसे देंगे हम। क्या बोल रही हो? बेटा भी छूट जाएगा, पर पहले पैसा। और हाँ, ज्यादा होशियारी नहीं समझा? अभी आपका बेटा बंधा है, अगर ज्यादा चालाकी की ना तो ये मेरी गोली और आपके बेटे का सर। नहीं नहीं नहीं, नहीं, हमारे बच्चे को कुछ मत दीजिएगा जी। क्या कर रहे हो? पैसे उन्हें तो देने के लिए लेकर आए ना, हमें नहीं चाहिए पैसे। हमारा बेटा चाहिए, हमारे सामने पैसे नहीं। दे देंगे पैसे, इसलिए तो लेके आए पैसे। और भरोसा नहीं हमें इनकी। पहले पहले हमारे बेटे को छोड़ो, पैसे तब देंगे हम तुम्हें। कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? देखो ना, हमारा बेटा हमारे सामने, फिर भी उसके पास नहीं जा पा रहे। वो कुछ करना दे हमारे बेटे को, तुम रख दो ना ये पैसे, हमें नहीं चाहिए पैसे। अरे बच्चों, रख रहे हम तुम्हारे पैसे, अब बेटे को छोड़ो हमारा। बचाओ मुझे कृष्णा। शिव, 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 ये कैसे? शिव,
घबराना मत, अभी है ना, हम कुछ नहीं होने देंगे आपको। हम ही है ना आपके साथ, क्या करें, कैसे चाहिए हम अंदर इसके। रुको, सुनाई नहीं दिया तुझे? जी पीछे हो, नीचे कर इसे। ज्यादा होशियारी नहीं समझा? जी पीछे रहो, पीछे हो, चल हिलने की कोशिश मत करना। बचाओ मुझे माई। गोपी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ किसके साथ आई? हम तो उस्ताद जी के साथ आए। उस्ताद जी? कहाँ है वो? तुम्हारे उस्ताद जी कहाँ है? वो तो आगे चले गए। क्या आगे चले गए? आगे क्यों चला गया? वो तो यहाँ आने वाला था ना, फिर आगे आगे क्यों? जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हाय शिव को क्या हुआ? वो रो क्यों रहा है? वो बेटा वो ना और इसका तो टाइम भी चालू हो गया, मतलब ये कभी भी बढ़ सकता है। गोपी गोपी बेटा तुम ना घर जाओ, ठीक है? घर जाओ, शिव को लेकर आते हैं। तुम्हारा यहाँ रहना कतरे से खाली नहीं है। तुम जाओ यहाँ से, जाओ बेटा जाओ। शिव शिव चिंता मत करना, हम है ना, हम कुछ नहीं होने देंगे। हाँ हम कुछ करते हैं, इसके अंदर जाना होगा। दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। अरे हमारा बेटा, ये दरवाजा तो बंद है उसकी। शेफ करें, कुछ है ही नहीं जिससे हम अंदर जा सके। तो पूरा पैक है।
जल्द से जल्द शिव को ऊपर लेना होगा। मुझे डर लग रहा है, ब्लास्ट कभी भी हो सकता है। भागो, गोपी। कृष्णा संधारी